कुमार का समाधान यात्रा चल रहा है और कल भोजपुर में भी उनका समाधान यात्रा है और नागरिक पहचान सभागार में एक कार्यक्रम भी उनका होने वाला है। अभी देखा गया कि नागरिक पहचान के बाहर जो कलम बस्ती है, झुकी झोपड़ी है, उसके बाहर बांस बल्ला लगाकर उसे कवर किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कल आ रहे हैं, ये तो एक बहुत ही अच्छी पहल है कि नीतीश कुमार जी जो है समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। समाधान यात्रा का मतलब ये हुआ कि किसी भी जिले में जो प्रॉब्लम है उससे हम अवगत होंगे और उसका हम समाधान करेंगे, लेकिन एक्चुअलिटी कुछ और ही है। नीतीश कुमार जी कल हमारे जिले में आ रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि आज बीते 10 दिनों से हर एक जगह जो है मुख्यमंत्री जी के आने के लिए तरह तरह का व्यवस्था किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी हकीकत उनको दिखेगा कहां? सबसे बड़ी चीज ये है, कल वो धंधिया जाएंगे, वो धंधिया के हाई स्कूल को जो है दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, आ रहा है नागरिक पहचानी में आएंगे तो नागरिक पहचानी को जो है दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और अगल बगल जो सलम बस्ती है तो उसको जो है घेरा जा रहा है टेंट से। तो आप बताइए कि जब पर्दा लगा दिया जाएगा तो यहाँ सलम बस्ती का क्या हाल है, स्कूल को दुल्हन की तरह सजा दिया जाएगा तो स्कूल का वास्तविक स्थिति क्या है, और जिला प्रशासन जो है अपनी बाह बहुत के लिए 10 दिन से जो है लगातार प्रयास कर रहा है कि मुख्यमंत्री जी हमारे जिले में आए और खुश होकर जाए। तो ऐसी लिपापोती से समस्या का निदान तो हो सकता नहीं है। तो हम चाहेंगे कि नीतीश जी आए तो एक्चुअल धरातल पर क्या है उसको देखने का काम करें, परेशानी कहाँ है। 20 दिन पहले प्रोग्राम लगा दे रहे हैं कि आपके जिला में कल हम आ रहे हैं, अरे 20 दिन से तो तैयारी चल रही है, तो आप किस लिए आ रहे हैं, किस चीज का समाधान करने के लिए आ रहे हैं? आप अचानक आइए, हॉस्पिटल में आइए, हॉस्पिटल का दुर्दशा देखिए, स्कूल में जाइए, टीचर है कि नहीं, पढ़ाई हो रही कि नहीं, बच्चों को खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इन सारी चीजों से अवगत तो होइए। आप आ रहे हैं, डीएम साहब लगे हुए हैं, एसपी साहब लगे हुए हैं, अब आबाही लूट के चले जाइए। 3-4 दिन पहले हम लोग वहां पे गए थे बक्सर में, चौसा में जो किसानों का समस्या है उसको आपको देखने के लिए फुर्सत नहीं है और आधा में आप आ रहे हैं, छपरा जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। आज जो है नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम है वहाँ पर और विगत जो है 100 दिनों से वहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जी का ये पता नहीं है कि वहाँ मुआवजे के लिए जो है इतना बड़ा हादसा हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में मुख्यमंत्री जी तो देखना चाहिए धरातल पर, किसी को ना बताए कि हम जो है हमारा आज का प्रोग्राम अचानक है और अचानक आने के बाद बोले कि हमारा जो है आप हमको सदर हॉस्पिटल ले चलिए, जो हमारे जितने प्रखंड में स्वास्थ्य विभाग है वहां पे लेके हमको चले, एक्चुअलिटी दिखाएं, स्कूल में चले, स्कूल का क्या स्थिति है, बच्चों का जो है क्या स्थिति है, बच्चे टीचर हैं कि नहीं स्कूल में, तो ये सारी चीजों से टाउन में आए देखें कि क्या स्थिति है। तो ऐसे जो है आके खाना पूर्ति करने से क्या फायदा है, यानी समस्याओं का समाधान यात्रा नहीं है। मेरे को नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, नाम मात्र का जो है समाधान यात्रा रख दिए हैं। समाधान क्या, यहाँ भी जा रहे हैं आप वहाँ पर स्थिति जो है नली गली जल हर एक जगह का कोई आपको मतलब नहीं है, तो ऐसे जो है स्थिति में आप आके समाधान यात्रा इसका नाम रख दें इसका कोई मतलब नहीं हुआ। तो हम यही चाहेंगे कि समाधान यात्रा में आते हैं तो समाधान करके जाएं, जो रियल प्रॉब्लम है उसको दूर करने का प्रयास करें, यही हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग भी है और मुख्यमंत्री जी जो है इस पर संज्ञान लें।